हमारे साथ जुड़े रहने के लिए IBN9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। यस सर, क्या रहा बैठक में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर के प्रभारी मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि वे सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और लॉकडाउन कैसे खोलना चाहिए, कब तक खोलना चाहिए, इससे उनकी राय लें। तो जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सबके साथ प्रभारी मंत्री बैठक ले रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर कि हम कोई भी निर्णय करें तो जनता के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों से मिलकर करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रधानमंत्री जी ने आज ये बैठक बुलाई के प्रभारी मंत्री ने बैठक बुलाई थी और उसमें सब लोगों ने अपने विचार। देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि इंदौर के लोगों को सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि इंदौर अभी रेड जोन में है और हम नहीं चाहते कि इंदौर ने काफ़ी अपनी प्रसिद्धि कमाई है क्लीन इंदौर में और इतनी ही हमारी बदनामी हो गई रेड जोन में आने के कारण। हम जीरो कोरोना इंदौर को करेंगे जब तक सब लोगों को संघर्ष करना है, धैर्य रखना है और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, मेडिकल की टीम, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि सब मिलकर कोरोना से इस शहर को मुक्त करेंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, बाकी एक बार फिर इंदौर को हम चमकाएंगे कि इंदौर कोरोना शून्य हो गए। सर, सब्र की बात सुनिए, आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाना है, क्या पॉसिबिलिटी इंदौर शहर के अंदर लगती है? देखिए, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और इसीलिए कुछ उद्योगों को चालू किया गया है, कुछ MHA की जो शर्तें हैं उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों में कम मजदूर जाए, 25% की 30% मजदूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मजदूर वहीं रहे फैक्ट्री के अंदर, बाहर नहीं निकले, जिस फैक्ट्री में मजदूरों के रहने की व्यवस्था है उनको परमिशन दी गई है, फैक्ट्री मालिक की जवाबदारी होगी कि वो मजदूर को वहीं रखे, उसके भोजन की व्यवस्था करें और मजदूर बाहर नहीं जाएं। तो ये उन फैक्ट्रीज को हमने रिक्वेस्ट किया था, कलेक्टर साहब से उन्होंने अनुमति प्रदान की है और साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मजदूर बाहर से आकर मध्य प्रदेश की सीमा से गुजर रहे हैं उनको पैदल नहीं चलना होगा, लगभग 2500 से ज़्यादा बसें पूरे मध्य प्रदेश में उन सब मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने का काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने उन मजदूरों की सेवा की, जूते चप्पल तक की सेवा की है। मध्य प्रदेश ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप यहाँ के नागरिकों ने और सरकार ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी चिंता की। में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।